करने के लिए तो मैं इतना कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ही खट्टा होता है, तो मीठा का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये ठंडा होने के बाद में मैं इसे कूट ली हूँ, तो इसे भी मैं इस... आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर, और मैं हूँ आप सब उनकी दोस्त मेरी बारला, और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी बारला ब्लॉग्स। आज मैं अभी कुद्रुम के पौधे के पास में आई हुई हूँ, और मैं आज कुद्रुम के बारे में कुछ बताऊँगी, और कुद्रुम की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और इसका वैज्ञानिक नाम है हिबिस्कस सबट्रॉफी है, और अंबाड़ी भी कहीं कहीं इसे बोलते हैं, कहीं कहीं इसे रोसेल बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुंडारी में इसे इपिल बोलते हैं, और ज़्यादातर झारखंड में तो इसे कुद्रुम के नाम से ही जाना जाता है। और ये झारखंड के प्राय हर एक गांव में और हर एक जगह ये पाया जाता है, वैसे भारत में भी हर एक जगह ये पाया जाता है। इसकी चटनी बनाया जाता है, और इसका जेली भी बनता है, अचार भी बनता है, और इसको सुखा कर भी हम लोग रखते हैं, और सुखाने के बाद भी हम लोग, अगर हमारे यहाँ दाल वगैरह नहीं होने से, इसका हम झोर बनाते हैं और इसको हम लोग खाते हैं। और इसका बहुत सारे औषधीय गुण भी पाया जाता है इसमें। अगर किसी को डायरिया है तो इसको हम लोग रात भर पानी में भिंगा करके छत में रख देते हैं, और उसके बाद में सुबह में इसका पानी पिलाते हैं, तो डायरिया कंट्रोल हो जाता है। और पहले ज़माने में लोग इसका बीपी और शुगर को कंट्रोल करने में भी यूज़ करते थे, और पहले ज़माने में तो लोगों के पास उतना औषधि नहीं होता था, तो लोग वैद्यों के पास ही जाते थे, तो और लोग जो है वो बहुत तरह के फल फूल ये सब खाते थे, तो उसमें कुद्रुम भी आता था, तो इस तरह से वो लोग अनजाने में ही बहुत सारे औषधीय गुणों वाला जो फल होते हैं वो भी ले लेते थे। तो कुद्रुम का भी बहुत सारा गुण है, ये वेट को भी लॉस करने में हेल्प करता है, बीपी शुगर को कंट्रोल करता है, और इसमें आयरन और विटामिन्स होते हैं, और इसका ये जो है हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। हमारे यहाँ तो इस कुद्रुम का ये जो लाल वाला फल है, इसका हम लोग चटनी बनाते हैं ज़्यादातर, और अचार बनाते हैं, और इसका हम लोग मारझोर भी बनाते हैं, और ये जो पत्ता है इसका भी हम लोग मारझोर बनाते हैं और चटनी बनाते हैं। इसका फल और पत्ता का तो मैं आप लोगों को गुण बता ही दी, लेकिन इसका जो ये डंठल होता है इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। इसको हम लोग सुखाते हैं, उसके बाद में इसका जो डंठल होता है इसको पानी में भिंगा करके छोड़ दिया जाता है, फिर इसका रस्सी निकाला जाता है, इसका जो रेशा होता है उसको, और उससे हम लोग रस्सी बनाते हैं। आज मैं इसकी चटनी बनाऊंगी, और देखिए कहीं कहीं ये जो छीला हुआ है तो इसको हम लोगों ने खाना भी स्टार्ट कर दिया है, और ये जो पत्ता है कहीं कहीं आपको टूटा हुआ दिख रहा है, तो इसको हम लोग मारझोर सब बना चुके हैं। तो आज मैं इसकी चटनी बनाऊंगी, तो इस तरह से हम लोग इसको उचाड़ते हैं, ऐसे उचाड़ते हैं, और पौधा में ही उचाड़ते हैं, क्योंकि इसका जो फल है इसके अंदर बीज है, तो अगले साल के लिए हम लोगों को बीज भी आवश्यकता होगी, तो ये बीज जब सूख जाएगा तो फिर इसको हम लोग रखेंगे, या फिर ये बीज जो है यहीं पर फट के गिर जाएगी, और फिर अगले साल यहीं पर फिर से कुद्रुम होगा। तो देखिए छिलने के बाद ये पूरा टकला हो गया है, और इसको मैं आप लोगों को खा के भी दिखाती हूँ। ये खाने में बहुत ही खट्टा होता है, इसको आप ऐसे नहीं खा सकते हैं जब तक इसको आप सब्जी नहीं बनाएंगे या फिर चटनी नहीं बनाएंगे, इसको खाना बहुत मुश्किल है। मुझको लगता है आप लोगों के मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो अब मैं कुद्रुम को तोड़ लेती हूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। इसको तोड़ना उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आराम से निकल जाता है ये, इसको ऐसे करके छीला जाता है, इस तरह से ये आसानी से निकल जाता है। इसका जो फूल होता है भिंडी के फूल के जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन देखिए अंदर कितना सुंदर मेरून कलर का है, और उसके ऊपर में ये येलो कलर की मोती के जैसा लगा हुआ है इसमें, और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है।
अभी मैं कुद्रम तोड़ ही रही थी कि अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। वैसे तो सुबह से ही बादल बादल किया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन फिर भी मैं गई थी कुद्रम तोड़ने के लिए। तो मैं तोड़ करके जैसे थोड़ा सा तोड़ी कि बारिश स्टार्ट हो गई, तो मैं एक कुद्रम का पौधा जो है उसको ले करके आ गई हूँ और अभी मैं घर में ही बैठ करके इसको छील रही हूँ। और ऐसा लग रहा है कि बारिश ख़त्म होगी तो पता नहीं ठंडा बढ़ जाएगा शायद। तो अभी मैं इसको छील लेती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग मैं इसकी चटनी बनाऊँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं कुद्रम की चटनी बनाने के लिए आधा किलो कुद्रम ली हूँ और गैस ऑन कर ली हूँ। कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो गया है तो पहले इस कुद्रम को मैं बॉयल करूँगी। बॉयल करने के लिए थोड़ा सा पानी की भी आवश्यकता होती है तो थोड़े से मैं पानी डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लगभग आधा कटोरी पानी मैं डाल दी हूँ। मैं कुद्रम को अच्छी तरह से धो ली और इसे मैं ढक करके कुछ देर गलाऊंगी। इसे ढक्कन हटा करके देख लेते हैं। देखिए गल गया है, लेकिन थोड़ा सा और इसे गलाना है। ये अच्छी तरह से नहीं गला है, गलना स्टार्ट हो गया है। और इसी समय इसमें मैं गुड़ ऐड कर दे रही हूँ। मैं आधा केजी कुद्रम ली थी तो 250 ग्राम मैं इसमें गुड़ ऐड कर दे रही हूँ, 250 ग्राम। और इसे भी मैं साथ में पकाऊंगी। गुड़ और कुद्रम को साथ में अच्छे से पका लेती हूँ। अब बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। अब इसे हमें बिना ढके ही पकाना है, ढकना नहीं है। इसको बीच बीच में चलाते रहना है। और देखिए इसका जो कलर है ये कितना सुंदर लग रहा है। इसका नेचुरल कलर ही बहुत सुंदर होता है, इसमें कोई फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुड़ और कुद्रम देखिए कितना अच्छी तरह से गल गया है। अब इसे मैं उतार लेती हूँ और फिर मैं दूसरा कढ़ाई चढ़ाऊँगी और उसमें मैं छौंकूँगी। चटनी को बनाने के लिए मैं 2 चम्मच सरसों तेल ले रही हूँ। और इसे गर्म कर लेते हैं। तेल गर्म हो गई है, अब इसमें मैं 1 चम्मच पचफोरन डाल देती हूँ और इसे से थोड़ा सा तड़कने देती हूँ। अब इसमें मैं कटी हुई लहसुन थोड़ा सा डालूंगी, ये लगभग 2 चम्मच के आसपास है। और इसे भी थोड़ी देर भून लेती हूँ। लहसुन अच्छी तरह से गोल्डन हो चुकी है तो इसमें मैं जो गला के रखी थी कुद्रम और गुड़ उसको ऐड कर देती हूँ। इसे भी हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, ये इसे हम अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेना है। ये सूखी हुई लाल मिर्च का पाउडर है, ये हमारे घर का ही लाल मिर्च है
और ये इसे मैं हल्का सा भूंज ली थी और उसके बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद में मैं इसे कूट ली हूँ, तो इसे भी मैं इसमें अब मिला देती हूँ। मिर्ची भी हम लोग अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है और चटनी में तो मुझे और भी तीखा पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तीखा बना रही हूँ। आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे 5 मिनट तक पकाना है और उसके बाद देखिए ये बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, खट्टा तीखा और मीठा का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।